नागपुर में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति ने यह घोषणा करते हुए अनुयायियों से कहा कि वे घर पर रहकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करें। स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले इन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन जारी किया। इसमें उल्लेख किया गया धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि पर बड़ी संख्या में अनुयायी आते हैं, ऐसे में कोविड की परिस्थिति को देखते हुए नियमों का पालन करना मुश्किल होगा। इसे ध्यान में रखते हुए धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि पर होने वाले इस वर्ष के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। दीक्षा भूमि पर हर साल की तरह इस बार कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। इस परिसर में दुकानों को भी लगाने की अनुमति नहीं होगी। स्मारक समिति ने आग्रह किया कि दुकानदार इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि 14 अक्टूबर व अशोक विजयादशमी पर 25 अक्टूबर 2020 को अपने घरों में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व तथागत गौतम बुद्ध का अभिवादन करें। इस संबंध में ज्ञापन जारी कर इसमें उल्लेख किया गया कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि पर बड़ी संख्या में अनुयायी आते हैं, ऐसे में कोविड के परिस्थिति को देखते नियमों का पालन करना मुश्किल होगा। इसे ध्यान में रखते हुए धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर दीक्षा भूमि पर होने वाले इस वर्ष के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने का निर्णय। दीक्षा भूमि पर हर साल की तरह इस बार कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। परिसर में दुकानों को भी लगाने की अनुमति नहीं है। स्मारक समिति ने आग्रह किया कि दुकानदार इस बात का विशेष ध्यान रखे। जनतेला सूचित करण्यात येते की कोविड-19चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीद्वारे या वर्षीचे दीक्षाभूमीवरील धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आलेले आहे। दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या लक्षावधी भाविकांच्या गर्दीमुळे कोरोना संबंधी शासनाने व प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे जवळपास अशक्य आहे। गर्दीत एखादा लक्षणहीन कोरोनाग्रस्त किंवा कोरोना बाधित असल्यास सर्व बांधवांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते। म्हणून स्मारक समिती सर्व जनतेला आवाहन करते की येणाऱ्या 14 ऑक्टोबर आणि 25 ऑक्टोबर रोजी सर्व बांधवांनी आपल्या घरीच राहून बोधवंदना घ्यावी व बाबासाहेबांना अभिवादन करावे। दीक्षाभूमीवर दरवर्षीप्रमाणे कोणताच कार्यक्रम होणार नाही व दुकानांना सुद्धा परवानगी देता येणार नाही, याची सर्व बांधवांनी नोंद घ्यावी। आपल्या बांधवांचे आयुष्य आरोग्य लक्षात घेऊन सहकार्य करावे असे समितीतर्फे मी सर्वांना विनंती करतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडके साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपूर।